सर आपका नाम है? सर आप कहाँ से आए? हैलाकंदी आसाम। हैलाकंदी आसाम। सर कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर साल की तरह इस तरह उधर नहीं का बहुत हो रहा है, हम लोग का अच्छा लग रहा है कि हर साल हम लोग अटेंड कर पा रहे हैं ये प्रोग्राम के जरिए, और कोलकाता भी घूमने के चांस एक बार मिलता है हर साल, इसीलिए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सर तो सर आप तो हमारे बहुत पुराने फैमिली मेम्बर हैं सर, हाँ ओल्ड इज गोल्ड सर। तो 5 साल के अंदर आज 1300 से ज़्यादा स्टडी सेंटर इंडिया में, तो 5 साल के अंदर इतना बड़ा सक्सेस, इतना बड़ा तरक्की, जब आप लोग पहली बार आए थे इंग्लिश नगर में, जब सोचे थे सर कि इतना बड़ा सक्सेस किसी को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, मतलब हम लोग को पता था क्योंकि हम लोग का रजिस्ट्रेशन फीस भी बहुत मतलब कम है, और दूसरे मतलब स्टूडेंट को सक्सेस मिलता है इसीलिए कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन फीस कम है, जिसके कारण से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को NBC के साथ जोड़ रहे हैं कि एडुकेशन भी बेहतर मिलता है और कॉस्ट भी कम हम लोग को खर्चा करना पड़ता है जो इसके लेवल पर, इसीलिए हम लोग उस टाइम से ही हम लोग लिख कर रहे हैं कि नहीं NBC और भी आगे बढ़े, दिन दिन और भी आगे। बिल्कुल सर। सर और एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, हाँ कि 2016 और 17 में NBC ने नेशनल अवार्ड जीता, 2018 में भूटान से इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता, तो ये जो लगातार जो सक्सेस है, लगातार जो मतलब पर्वतीय शिखर पर जाने का जो इरादा है, ये कैसा लग रहा है आपको एज एन NBC ना, कितना प्राउड फील करते हैं? बहुत ज़्यादा सर, ये बात है कि हम लोग जब भी कोई स्टूडेंट या कोई मतलब गार्जियन भी उसका आता है तो फर्स्ट टाइम हम लोग को ऐसा फील होता है कि वो हम लोग पूछते हैं हम लोग को गवर्नमेंट से डायरेक्ट, हम लोग बता सकते हैं कि हाँ मेरा गवर्नमेंट है साथ में, और वो इंटरनेशनल जो हम लोग का गोल्ड भी है, हम लोग का फ्यूचर मिला है, हम लोग को मिला है, तो हाँ हम लोग तो गवर्नमेंट भी, और भी हम लोग को फील होता है कि बहुत बहुत बढ़िया हम लोग सेंटर पर काम कर रहे हैं, और भी हम लोग का फ्रेंचाइजी भी अच्छा चल रहा है। अच्छा सर, जब आप पहली बार NBC में आए थे, NBC के बारे में आपको कहाँ से पता? NBC के बारे में मुझे पता नहीं था, कॉल गया था, उसके बाद दो तीन टाइम मुझे प्रमोशन मिला, एक बाद में मुझे फिर से दो तीन बार फिर से मुझे कॉल किया गया, तो मुझे बिलिंग वाकई नहीं किया, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो मिला था मुझे वो प्रोपोजल में पढ़ा, उसके बाद फिर ले लिया सेंटर, पढ़ा वहाँ से चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सर आज क्या लग रहा है, वो डिस्टेंस कितना सही था? वो डिस्टेंस तो मेरा 110% सही था, बहुत ही अच्छा था, अभी टर्निंग पॉइंट है मेरा सेंटर का सबसे अच्छा है। सर पिछले बार वेस्ट बंगाल से बेस्ट ऑफ इंडिया बहुत था, इस बार क्या लगता है सर, बेस्ट ऑफ इंडिया कौन सा स्टेट से जाता है, वेस्ट बंगाल या फिर कोई दूसरा? बेस्ट ऑफ इंडिया अभी वेस्ट बंगाल ही। ठीक है सर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहे, ऐसे ही हर साल आते रहे, और ऐसे ही हर साल आपका तरक्की हो। थैंक यू। अच्छा।